कुछ ऐसे जगह जहाँ पे खड़े हुए भी डैमेज पड़ते हैं। कुछ मिक्स ऐसे हैं जिससे आप लैंड तो करोगे पर सरबोर्ड गायब होगा। कुछ कारनामे ऐसे हैं जिससे कि कैरेक्टर आपको मुफ्त में मिलेंगे। क्या आपको बताएगी कैसे एक पेट के सेक्शन में दो दो पेट लाया जाए? नहीं ना, तो चलिए आराम करते हैं आज के मिथबस्ट। सेंटोसा के अपहिल पे जो रेड हाउस है उसके लास्ट विंडो पे एक गुप्त चीज है, जरूर से देखना। चलो मैं भी जा रहा हूँ सेंटोसा। और लास्ट वाला जो घर है ये यहीं पे है और ये अब हिल पे भी है और ये लाल कलर का भी है, तो इसी पे कुछ ना कुछ तो गुप्त चीज होगा। तो यहाँ पे देखो मैं घर के ऊपर कर दिया लैंड। अब लैंड करने के बाद विंडो के पास जाके मुझे उसके पास एक कुछ गुप्त चीज देखने मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे विंडोज है पर मुझे जाना है लास्ट वाले विंडो के पास। यहाँ पे तो मैं इजिली घुस चुका हूँ पर मुझे यहाँ पे कोई गुप्त। वेट, ये क्या हो रहा है? इस वाले साइड विंडो से मैं जंप नहीं कर पा रहा हूँ। यार मैंने बहुत ट्राई कर लिया पर यहाँ पर से तो मैं जंप ही नहीं कर पा रहा हूँ। ओ भाई, मेरा दोस्त लेफ्ट साइड वाले विंडो से जंप करके अंदर भी चला गया। क्या बात है, बट राइट वाले साइड विंडो से मैं कितना भी जंप करने का ट्राई क्यों ना कर लूँ मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। आई एम श्योर कि इस तरफ से जा नहीं सकते। मैं लेफ्ट वाले विंडो से अंदर आ गया और राइट वाले विंडो से बाहर भी निकल सकता हूँ बट भाई मैं उससे अंदर के साइड आ नहीं सकता। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गुप्त चीज तो है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग भी एक बार सेंटोसा के चेकआउट कर लेना। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म। क्लॉक टावर पे बाइक को फुल स्पीड से नीचे कूदाओ। देखो बाइक अपने आप व्हील करने लगेगा। चलो मैं भी क्लॉक टावर के ऊपर हूँ और यहाँ पर मैं फुल स्पीड से बाइक को नीचे ले रहा हूँ। बाइक अभी व्हील करने लग गया था भाई, इट्स अनबिलीवेबल। ये बहुत ज्यादा क्रेजी लगा था। चलो इसको ना एक और बार करते हैं और अपने दोस्त को शॉक कराते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त को एक बंदा मार रहा था और मैंने उसका कोड़ी फोड़ दिया। चलो अभी अपने दोस्त को सरप्राइज करने का मोमेंट आ चुका है। मैं स्पीड से बाइक को ले रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये सबसे क्रेजी था भाई। विली करना इतना आसान है मुझे नहीं पता था पर अब तो बहुत इजी हो गया। आप भी कर सकते हो, बस बाइक को आपको स्पीड से लेना है नीचे और कुछ नहीं करना, ये अपने आप ही विली करना स्टार्ट कर देगा। एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म। सेंटोसा के एंड को डबल स्टोरेड बिल्डिंग पे जाओ, वहाँ जिपलाइन है। उसके घर के ऊपर वाले कमरे में एक सीनरी है। 0.1% पीपल नो इस घर पे मैं आ चुका हूँ और मुझे वो सीनरी एक्चुअली वेट, मुझे शायद से वो सीनरी दिख चुका था और ये शायद से इस सामने वाले छत के ऊपर था। मैं गलती से नीचे कूद गया। चलो अभी देखते। ओह माय गॉड, हाँ यार बात उस ऑर्डर का सच है। पहले वाले रूम के अंदर तो कुछ नहीं है बट अपन जब दूसरे वाले रूम पे आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो एक सीनरी फोटो है जहाँ पे एक बहुत ही आलीशान बंगला मेरे को दिख रहा है, बहुत ही पुराने ओल्ड स्टाइल का, और सामने एक शी भी है। इट्स लुकिंग सो क्रेजी यार, आप लोग भी आके देखना और बताना कैसा लगा। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म। स्टेप 1 ओरियन को यूज करो। स्टेप 2 एनेबल करो मिक्स प्रिंट बटन को। स्टेप 3 यूज ओरियन, ड्रैग करो जॉयस्टिक को और देखो ओरियन स्प्रिंट करेगा। ओके, पहले तो मैं इस चीज को गलत वे पे कर रहा था। मैं एक साथ भागने का और ओरियन वाले बटन को दबा रहा था जिससे कि मेरा कैरेक्टर एक ही जगह पे स्टिक होके खड़ा हो जा रहा था और यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट मेरे को देखने नहीं मिल रहा था। पर पहले अभी मुझे करना है मिक्स प्रिंट को ऑन। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंट वाला ऑप्शन पे आके मैंने इसको रन मोड को सेट कर दिया है मिक्स पे और ये अभी सेट हो चुका है। चलो अब मुझको करना है एक बार ओरियन और स्प्रिंट वाले बटन को, मतलब इसको ऊपर ड्रैग करते हैं। हाँ यार पे थोड़ा सा हुआ था मुझे लगा, इस बार देखते हैं। ओ भाई देख दे, यहाँ पे ओरियन के साथ मेरा कैरेक्टर स्प्रिंट भी कर रहा है। ये तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा जब अपन फाइट कर रहे होंगे। भाई यहाँ पर देख सकते हो मैं ओरियन के साथ एक ही बारी में स्प्रिंट कर रहा हूँ, मैं अपने कैरेक्टर को ड्रैग नहीं कर रहा आगे भागने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो जब एनिमी मेरे सामने होगा ऐसे मैं स्प्रिंट करके जाऊंगा और उसका खोपड़ी मोड़ू। ये वैसे बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है, इसको अपन मैच के अंदर एनिमी को मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फार्माटोपिया पे जो चलने वाले बॉक्सेस हैं उन पे ग्रेनेड डाल के बैठ जाओ, जीरो डैमेज मिलेगा। क्या बात कर रहे हो, सच में फार्माटोपिया पे देखो मैं आ चुका हूँ और बीच में ये चलने वाला जगह जो है जहाँ पे सामने बहुत सारे बॉक्सेस रखे गए, इसमें मुझे डालना है एक नेड और मुझे ये प्रैक्टिस करना है कि क्या मुझे डैमेज पड़ता है या फिर नहीं। चलो देखो मैंने वही चीज को यहाँ पर ट्राई करा, मेरे पैर के नीचे नेड पड़ा हुआ है, मुझे एक तक का डैमेज नहीं पड़ा भाई साहब। एंड आई नो ये क्यों नहीं पड़ा, ये बॉक्सेस बस दिखने के लिए है। एक्चुअल जो ग्रेनेड है ये देखना इस साइड आ गया होगा मुझे। ओह हां भाई, तो इसका यूज करके आप अपने दोस्त लोगों को, अपने एनिमी लोगों को भी चौंका सकते हो। यार इस वाली जगह पे एनिमी ने मेरा फायदा उठा लिया, उसने मेरा किल डाप लिया। आप लोग ध्यान से इस चीज को यूज करना और मजे लेना अपने टीममेट्स के साथ। हिंस द मिथ इज कंफर्म। गेम पे कॉइंस 100-200 हो गए पर अभी भी अगर पड़े हुए कॉइंस को जूम करके देखोगे पेन के ऑप्शन भी 1-2 दिखने मिलेगा। देखो मेरे सामने बहुत सारे कॉइंस पड़े हैं पर जब अपन पिन करते हैं वहाँ पे बस अपने को एक छोटा सा मार्क दिखाई देता है जिससे कि पता चलता है कि यहाँ पे कॉइंस पड़े हुए हैं। पर इस चीज को मैंने अच्छे से ट्राई करा, यहाँ पर देखो मैं उस चीज को एक्चुअली गलत वे पे कर रहा था। इस वाले जगह पे बहुत सारे कॉइंस पड़े हुए हैं
और जब मैं इसको स्कोप इन करके पिन वाला ऑप्शन देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे 10 कॉइन्स दिखाई देता है, जबकि यहाँ पे एक्चुअली 1000 कॉइन्स पड़े हुए हैं और ये मुझे 10 कॉइन दिखाई दे रहे हैं। वैसे अभी अपडेट के बाद भी गरीना ने 100-200 तो ऊपर से कर लिया, बट अंदर से अभी भी 1-2-3 वैसे ही कॉइन्स का नंबर दिखाई देता है। इससे बहुत सारी पुरानी यादें भी ताजा हो जाती है एंड हिंस मिथ इज कंफर्म। 0% पीपल नो स्मूथ पे कुछ भी इमोट नहीं दिखाई देगा सिवाय पायलट फ्लैग को छोड़ के। वैसे यहाँ पे अपन अभी अल्ट्रा पे है, यहाँ पे मुझे सारे के सारे इमोट बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो अपन पायलट फ्लैग को ही यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं और मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छे से। अब इस चीज को अपन जाएंगे और स्मूथ पे ट्राई करने वाले हैं। देखो अभी अपन आ चुके हैं स्मूथ पे, मेरा ग्राफिक्स अभी चेंज होके स्मूथ हो चुका है और मुझे मैप ऐसे पहले दिख रहा है भाई, और मैं मैप का एक दूसरा रंग देख रहा हूँ भाई, ऐसा तो मैं कभी देखा ही नहीं। मैं हर वक्त अल्ट्रा पे खेलता हूँ और यहाँ पे मेरा दोस्त अलग अलग तरीके के इमोट तो कर रहा है पर मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है। पर जब वो बंदा पायलट फ्लैग को करता है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो झंडा, भले ही वो स्टार्टिंग से नहीं दिखाई देगा जब वो अपने हाथ से लेके उसको नीचे जमीन पे गाड़ेगा, पर जब वो जमीन पे एक बार गड़ जाता है ना उसके बाद मुझे यहाँ पर फ्लैग दिखाई दे रहा है भाई। देख सकते हो यहाँ पे मेरे दो दोस्त यहाँ पे पायलट फ्लैग को लगा रहे हैं, जो कि मैं अभी यहाँ पे हूँ स्मूथ ग्राफिक्स पे, पर फिर भी मुझे इमोट दिखाई दे रहे हैं भाई। तो और कोई अभी स्मूथ ग्राफिक्स पे है और सामने वाले स्मूथ ग्राफिक्स को कुछ इमोट दिखाना चाहता है इन रियल गेम के अंदर, तो उसे पायलट फ्लैग दिखा के छिड़ा सकता है। एंड हिंस द मिथ इज गंदा। स्टेप 1 BR रैंक में जाओ। स्टेप 2 जो टाइम होता है 30 सेकंड में उसमें मैसेज का बटन अवेलेबल है, मैसेज नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हो अपन मैच स्टार्ट कर चुके हैं और इस वाले जगह पे नीचे मैं सोचता हूँ यहाँ पे मैसेज करने का, मैं कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आप भेज सकते हो जो कि प्रीसेट में है, यहाँ पे भी आप भेज सकते हो। पर जब अपन मैच के अंदर जाते हैं तो अंदर भी हमें यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन दिखाई देता है, पर जितने भी बार मैं यहाँ पे टैप करा मेरा कुछ भी एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। यार मैंने बहुत बार ट्राई करा पर 1% रिजल्ट मुझे इसके ऊपर नहीं दिखाई दिया। मुझे पिन का ऑप्शन भी यहाँ पे यूज करने को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज का नहीं। हाँ यार ऐसे तुमने बिल्कुल सही नोटिस करा है एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म। उठो इक्विप करो, प्ले करो CS रैंक मैच, जब राउंड एंड होगा उसी टाइम मेडिकेट को सही तरीके से यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट राउंड को आपको फ्री में EP देखने मिलेगा। चलो यहाँ पे मैं वही चीज ट्राई करने वाला हूँ, मेरे दोस्त लोग ही सारे बंदों को मारने वाले हैं, मैं बस एंड पे एक मेडिकेट मुझे लगाना है, इतना काम है मेरा। अभी यहाँ पे मूवमेंट आ चुका है एंड को और मैं अभी मेडिकेट लगाना स्टार्ट कर दिया और देख सकते हो यहाँ प्रॉपरली मेरा मेडिकेट खत्म होता है और EP यहाँ पे मेरा बढ़ने लग जाता है। पर जब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है अपना, उस टाइम देख सकते हो मेरे HP के ऊपर एक ग्रीन लाइन शो तो करता है बट यहाँ पर मुझे कोई भी एक्स्ट्रा EP दिखने नहीं मिलता, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी नेक्स्ट राउंड को आता है। अगर आप लोगों का हुआ है तो नीचे कमेंट बताना। प्लेन से उतरने से पहले नेट ऑफ करो, फिर नेट ऑन करो, प्लेन से जंप करो और देखो मैजिक। नो वन नोज और इस वाले कमेंट पे 31 लाइक्स आए थे। चलो इस चीज को अपन अभी ट्राई करने वाले हैं। देख सकते हो मैं अभी भी हूँ इस प्लेन के अंदर और मैं वेट कर रहा हूँ कब इसका टाइम खत्म होगा, और जब तक टाइम खत्म नहीं होता है तब तक तुम सब लोग वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 5, 4, 3, 2, 1 लेट्स गो। अब देख सकते हो प्लेन आ चुका है बाहर और यहाँ पर मुझे पहले क्या करना है, अपने नेट को ऑफ करना है, ठीक है। तो नेट को अभी अपन ऑफ करते हैं और ये जब अपना पिंग थोड़ा सा ज्यादा होगा उस टाइम अपन जाके नेट को ऑन कर देंगे। देखो अपना पिंग बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, अब नेट अपन ऑन करते हैं। जब ये थोड़ा सा चलो अब लैंड करना सही समय मुझे लगता है, लैंड कर ही देते हैं। मैं यहाँ पे नीचे लैंड हो चुका हूँ पर मेरा अभी देख सकते नेट जो है वो 999+ है, मुझे लगता है मैं फिर से ना फ्लाइट के अंदर चला जाऊंगा। यार वही हुआ है, चलो यहाँ पर से फिर से इजेक्ट मारते हैं। वेट भाई ये क्या चीज है, यहाँ पे मैं लैंड तो कर रहा हूँ पर देख लो मेरे पास कोई भी सरबोर्ड नहीं है, बिना सरबोर्ड के मैं नीचे जा रहा हूँ। मेरे को भाई बहुत क्रेजी सीन है ये तो। ओह माय गॉड, क्या आप लोगों ने इस बारे में पहले पता था, आगे नीचे कमेंट बताना क्योंकि इस चीज को इतने सारे लोगों ने कमेंट करा है। यार आप लोगों को भी पता होगा इसके बारे में बट यार ये बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। जो लोग नहीं जानते जरूर से जाके ट्राई करना क्योंकि कभी भी गरीना इस चीज को हटा सकता है, तो जल्दी जाके ट्राई करना। हिंस द मिथ इज कंफर्म। सोनिया कैरेक्टर फ्री में मिलेगा, एक बुया पास सी मैजिक। चलो यहाँ पे वैसे मैंने बुया पास लिया नहीं है, मेरा लेवल 3 है। चलो पहले अपन यहाँ पर बुया पास लेते हैं क्योंकि मेरे को सोनिया को खरीदना नहीं है। वो वैसे कैरेक्टर जो है वो डायमंड पे भी मिल रहा है, मैं देखा था शायद से 600-700 डायमंड पे, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। अभी पहले अपन को क्या करना है, बुया पास लेना है, तो हम आ चुके हैं बुया पास को अपग्रेड करने के लिए। फ्री में मिलेंगे यार, अपन ने यहाँ पर ले लिया बुया पास प्रीमियम
और देख सकते हो यहाँ पे मेरे को भी चीजें क्लेम होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। चलो यहाँ पर चीजें क्लेम करते। ओ वेट, मुझे यहाँ पे सोनिया कैरेक्टर फ्री में मिल गया। मेरे पास और बहुत सारे कैरेक्टर तो पहले से थे और यहाँ पर फर्स्ट जो कैरेक्टर मिल रहा है वो है सोनिया। तो बुया पास अगर आप लेते हो ना तो फर्स्ट आपको सोनिया फ्री में मिल जाता है भाई, ये तो बढ़िया चीज है। इस बार तो बुया पास लेने का मेरे को फायदा भी हो गया। स्कल फाइटर पैंट पर फ्री फायर लिखा, किसी को नहीं पता। अच्छा ओके, चलो देखते हैं। वैसे स्कल फाइटर बंडल जो है सबको पता होगा, ये बहुत दिन बाद फ्री फायर में बैक आया है। और वो वैसे बंडल गया कहाँ, उसका फेस ओके फाइनली देखिए तो द्रावनाथ जो है ये फेस स्कल फाइटर का ही है। और यहाँ पर भाई साहब देख सकते हो ये स्कल फाइटर बंडल कितना क्रेजी लग रहा है। ओह वेट, मुझे इसके बैक साइड पे फ्री फायर दिखाई दे रहा है और उसके पैंट के लेफ्ट लेग पे देख सकते हो यहाँ पर भी फ्री फायर लिखा गया। क्या बात है यार, चारों तरफ फ्री फायर की ब्रांडिंग है इसके शर्ट पैंट पे। Craziest myth ever. First select Falco, then tap cactus pet, then zoom button together. ठीक है चलो, मैंने पहले यहाँ पे Falco को, अरे रुको रुको, Falco के साथ ना वो वाला ट्रिक ट्राई करते हैं। मैं अभी Falco और zoom button को एक साथ दबाता हूँ और ये लो भाई Falco, यहाँ पे Falco तो है बट यहाँ पे चार चार Falco मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एक तो Falco नॉर्मल है, उसके नीचे देख सकते हो तीन तीन भाई उसकी शेडोज आए। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक Falco नहीं, यहाँ पे ऑल टोटल चार Falco जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे बट है यहाँ पर। Falco के बाद अभी अपन आते हैं Falco प्लस कैक्टस। अपन को Falco लिए तो रखे हैं बट अभी मुझे Falco के साथ कैक्टस और जूम बटन को एक साथ दबाना है। भाई ये क्या हो रहा है सीन, देख रहे हो यहाँ पे एक साथ Falco और कैक्टस दोनों पेट है। और भाई Falco जो है वो कैक्टस के पीछे बहुत क्रेजी सीन है। Falco का जो पर है वो कैक्टस का है, ऐसे फील आ रहा है। आप लोग खुद ही जाके ट्राई कर लेना एक साथ, पहले Falco फिर कैक्टस और जूम एक साथ दबाना है और ये चीज हो जाता है। लोन वुल्फ में डिमिट्री एबिलिटी काम नहीं करता, ट्राई ऑन सोलो और डुओ प्लीज। वैसे सोलो में अगर मरते हैं तो पता नहीं क्या होता है बट इसलिए मैं इसी चीज को करने आया हूँ डुओ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो अपन डुओ पे है पर मेरा जो डिमिट्री एबिलिटी है वो पूरा पूरा चार्ज है, मैं इसको लगा लेता हूँ और सामने वाला बंदा मुझे मार रहा है और जेलो उसने मुझे। अरे यार ये कौन सा सोनिया कैरेक्टर लिया था, और यहाँ पे सोनिया कैरेक्टर को छोड़ो बट मेरे को यहाँ पे डिमिट्री कैरेक्टर ने बचाया क्यों नहीं। डिमिट्री का एबिलिटी वही है कि आपको वो रीजनरेट करता है बट यहाँ पे मैं तो नॉक ही नहीं हुआ, मैं डायरेक्टली मर गया। भाई ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। एंड हेंस द मैथ इज कंफर्म, मिनी लॉन्च पैड 360 डिग्री रोटेट होता है। वाह यार ये तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि जो नॉर्मल लॉन्च पैड है वो तो मुझे लगता है 180 डिग्री या फिर 210 करीब कुछ रोटेट होता है बट 360 डिग्री मतलब पूरा राउंड। तो देखते हैं ये होता है क्या। मेरे पास यहाँ पे एक मिनी लॉन्च पैड है, मैंने इसको लगा लिया और चलो भाई मैं रोटेट कर तो रहा हूँ बट देखिए तो मैं जहाँ पीछे से पूरा रोटेशन स्टार्ट कर रहा था वहाँ पे मैं पूरा नहीं जा पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 300 डिग्री तक जा रहा है बट 360 तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। एंड हेंस द मिथ इज बस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के वीडियो में मजा आएगा।